हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रत्ना। जैसे कि टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, बच्चों को टेबल लर्न कराना। जी हाँ, ये तो बहुत ही मुझे बोरिंग काम लगता है टेबल लर्न कराना। तो मैंने एक आइडिया निकाला है अपनी बेटी को लर्न कराने का, तो वही आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके लिए भी आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी ये यूजफुल हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे देखते हैं क्या है वो तरीका, क्या है वो आइडिया। ये ऐसा आइडिया है, ऐसा तरीका है कि बच्चे खुद से ही अपना टेबल पूरा लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बताने की कि कैसे लिखें और कैसे लर्न करें, वो खुद ब खुद लर्न करने लग जाएंगे। चलिए तो वो तरीका क्या है चलिए देख लेते हैं। जी सबसे पहले हम टू का टेबल देख लेते हैं। टू वंस आर, अभी हम आंसर नहीं लिखेंगे, अभी हम क्या करेंगे एक साइड में जो टू का हम लर्न करा रहे हैं बच्चों को, तो इसमें हम टू कोई भी इमेज बना दो, आप सर्कल बना लो, बॉल से बना दीजिए, कुछ भी। मैं बॉल बना दे रही हूँ। और टू टू आर, टू चीज आर, टू फोर्स आर, है ना। ये बन गए हमारे बॉल्स। ऐसे हम पूरा लिख लेंगे, अभी इसमें जगह नहीं है तो देख लेते हैं। अब टू वंस आर टू, अब हमारा आंसर क्या आ गया टू। अब टू टूज आर, इस टू में हम ये दो जो हमारे पास ये हैं इमेज, इसको हम ऐड करेंगे टू टू, क्योंकि बच्चों को एडिशन तो पहले से ही आ रहा है। तो टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स, फोर एंड टू सिक्स, एंड ऐसे पूरा कर लेंगे हम। जरूरी नहीं है कि बच्चों को एक ही बार में समझ में आ जाए, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग तरीके से उनका माइंड होता है। कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है, तो बट समझ जाएगा, आई होप समझ जाना चाहिए बच्चों को। तो ये है तरीका। जैसे अभी हम यहाँ पे सपोज फोर का टेबल लिख रहे हैं, है ना, तो फोर फोर, तो हम यहाँ पे फोर फोर इमेजेस ड्रॉ कर देंगे। फोर वंस आर फोर, ऐसे फोर में फोर ऐड कर देंगे, एट एट में फोर ऐड कर दिया, ट्वेल्व ट्वेल्व में फोर ऐड कर दिया, सिक्सटीन, ऐसे ही पूरा टेबल। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे सारे टेबल खुद से ही बनाना शुरू कर देंगे, और जब बनाना शुरू कर देंगे तो वो लर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। जैसे मैंने बहुत से लोगों को सुना हुआ है कि वो जैसे टेबल लर्न कराते हैं अपने बच्चों को, या फिर बहुत से बच्चों को मैंने सुन भी रखा है, तो वो कैसे प्रोनंसिएशन करते हैं, जैसे टू वन, वो क्या बोलते हैं, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू वन जा टू कुछ भी नहीं होता है, सही प्रोनंसिएशन होता है टू वंस आर टू। सेंटेंस ये होता है टू वंस आर, टूज आर, थ्रीज आर, ना कि वन जा, क्योंकि हम हमेशा रटते आए हैं, तो बच्चे भी वही हमारे रटते जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि बच्चों को सही प्रोनंसिएशन जरूर बताएं। टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर, है ना, ये रॉन्ग है, ये सही है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगा अपने बच्चे के लिए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और ये भी बताइएगा इससे पहले इस वीडियो ये वीडियो देखने से पहले आप क्या प्रोनंसिएशन करते थे टेबल का, टू वन जा टू और टू वंस आर टू, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।